ग्रेटर नोएडा में आज सुबह बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को दो गोलियां जबकि पुलिस ने तीन बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इन बदमाशों के दो साथी भागने में कामयाब रहे जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के कास्ना थाना पुलिस को सेक्टर सिग्मा एक के एक मकान में कुछ बदमाश छुपे होने की जानकारी पुलिस को एक मुखबिर ने दी थी, जिसके बाद आज सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस ने इस मकान की घेराबंदी कर तीन बदमाशों को मौके से दबोच दिया और दो बदमाश जब भाग रहे थे तब पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन ये दोनों बदमाश भागने में सफल रहे। एसएसपी गौतम बुधनागर के मुताबिक दो दिन पहले कास्ना थाना इलाके में 16 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसी लूट के करीब 4.5 लाख रुपए पुलिस ने बदमाशों से बरामद किए हैं, साथ ही बाइक और दो तमंचे भी बरामद किए हैं।